मेरा गांव, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी एक ऐसे गांव की, एक ऐसी तस्वीर की, एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र की जो आज सवाल खड़े करते। वैसे आपको एक बार फिर से बता दें कि मेरा देश मेरे गांव न्यूज वन इंडिया की वो मुहिम है जिसके जरिए हम गांव तक पहुंच रहे हैं, उन गांव के नुमाइंदों को कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं जो गांव की असल तस्वीर बताते। वैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में नेता अब सड़कें नाप रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में जो गुम थे, जिनकी पीड़ा कभी सुनी नहीं, हम इस मंच के जरिए सेतु बनकर सरकार के नुमाइंदों तक उस पीड़ा को बताते हैं, बल्कि समाधान की तरफ एक रास्ता भी तलाशने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी ही एक कोशिश, एक मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं थराली की, थराली विधानसभा से, जहां पर एक समस्या मुंह बाहे खड़ी है, और वो समस्या है सड़क की। वैसे दुधारी गाय साबित हो रही है नवनिर्माण सड़क। मेरे साथ तमाम गांव के बाशिंदे जुड़ेंगे, वो कि वहां के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार वहां की तस्वीर, उनकी बदहाल तस्वीर जो है सड़कों की, उसकी हकीकत क्या और क्यों थराली की आवाम वहां पर परेशान है। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, वहां के बाशिंदे भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर रुख करेंगे उन अपने मेहमानों की तरफ जो आप बड़े बड़े न्यूज चैनल पर देखते हैं ना, तमाम पार्टी के प्रवक्ता। वो प्रवक्ता नहीं होते हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे खास मेहमान होते हैं वहां के बाशिंदे, वहां के लोग जो वहां की समस्याओं को जानते हैं। इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम दिया मेरा गांव मेरा देश। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ऐसी ही एक सड़क नारायण बगड़ के पंती डांग तोली हंस कोटी PMGSY के अधीन बनी है, जिस पर पिछले 2 साल से द्वितीय चरण के कार्य किए जा रहे हैं। अब ये सड़क PMGSY से ब्रिटकुल को हस्तांतरित कर दी गई है और इस पर बुलंदशहर की कार्यदायी संस्था रेड टेक बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय चरण का काम कर रही है। असल बात पर आकर आपको बताते हैं कि पंती से हंसकोटी तक कुल 7 किलोमीटर सड़क पर अभी 10 दिन पहले ही हंसकोटी के पास से डामरीकरण का काम शुरू किया गया था, लेकिन ग्रामीण दीपेंद्र सिंह, मनीषा, प्रकाश, सिलोड़ा, बीरेंद्र सहित कई लोगों ने बताया कि यहां पर खराब डामरीकरण करने की शिकायत कर कार्य को रोकने की मांग की गई, जिस पर ब्रिटकुल के AE दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और फिलहाल डामरीकरण कार्य रोकने को संबंधित कार्यदायी संस्था को कहा है। निर्माण जो है ब्रेस्ट वाल और रिटर्निंग वाल की बात लगानी है यहाँ पे, और जो अभी फिलहाल हम पे जो क्वांटिटी समाप्त हो गई, खत्म हो गई है, उसका मैं वेरिएशन दे चुका हूँ, और वो जैसे वेरिएशन पास होकर हम पे आएगा तो इनके जो दीवार और पुस्तक का काम करा लिया जाएगा। और दूसरी बात, इनकी जो पगडंडियाँ हैं, पुराने रास्ते जो टूट गए सड़क बनाने से, उनका भी हम सड़क से एटलीस्ट मतलब सड़क से ऊपर पहुंचा देंगे, और जो नीचे को जा रहा है उस रास्ते को हम इनके थोड़ा सा खोल देंगे, हल्के पूरा नहीं कर पाएंगे हम, पर जहां तक हो जितना हर संभव पॉसिबल हो हम कर सकते हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो डामरीकरण कार्य किया गया है, वो भर भरा कर जगह जगह उखाड़ा जा रहा है। संबंधित ठेकेदार से पूछने पर उन्होंने बताया कि अत्यधिक ठंड और पाले की वजह से कुछ जगहों पर डामर उखड़ गया है, जिसको ठीक किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके मकानों और खेतों के नीचे सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए था, जो कि आधे अधूरे ही बना दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क निर्माण से उनके संपर्क मार्ग भी प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से उन्हें खेत खलियान और बाजार जैसी जगहों पर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने इनसे अपनी समस्याएं बताई, जैसे रास्ते हैं और पुस्ते हैं और 300 मीटर जो सड़क पहले छोड़ दी गई है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इनसे अपनी बात रखी और यही साहब की तरफ से आश्वासन मिला है, और उन्होंने कहा है कि हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये कितने विश्वास वाली बात है। इससे पहले भी हम इनके ऑफिस में गए थे, वहाँ भी बात की थी और
प्रार्थना पत्र लगाया था उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। इस बार भी आश्वासन दे रहे हैं, देखते हैं आगे कब तक पूरा होता है क्या होता है, लेकिन फिलहाल आश्वासन तो मिला है। दूसरे में मेरा खेत जबकि रोड में भी नहीं कटा हुआ है, इन्होंने सारा मलमा मेरे खेत में डाल दिया है और मैंने इनको बताया भी कि भाई वो इन्होंने जब मैं घर में नहीं था, मेरे घर वाले हॉस्पिटल में थे, मैं हॉस्पिटल में था, इन्होंने उसके बाद मेरे खेत में सारा मिट्टी डाल दिया, मलमा पत्थर पुत्थर सारा डाल दिया और मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरा खेत सही कर दो, अब या तो मेरे खेत का मुआवजा मिलना चाहिए। ग्रामीणों की उपरोक्त समस्याओं पर ब्रिटपुर के एई दिनेश कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान समय पर कर दिया जाएगा। कि हमने यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की बात भी आपको दिखाई और जो संबंधित ब्रिटपुर के यही यहाँ पे थे उनसे भी हमने बातचीत की और जो कार्यदायी संस्था के जो यहाँ पे प्रतिनिधि थे उनसे भी हमने बातचीत की, तो लगातार जो यही ने यहाँ पे जो ग्रामीण को समाधान के लिए कहा है कि जो डामरीकरण जो खराब गुणवत्ता है तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने भी माना कि ये केमिकल की कमी नहीं है, किंतु उन्होंने ये कहा कि जो तापमान की जो यहाँ पे लगातार गिरावट है उस तापमान की कमी यहाँ पे साफ झलक रही है कि वो डामर जो है पकड़ नहीं कर पा रहा, डामर लगातार उखड़ रहा है। तो उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि अभी जो डामरीकरण है क्योंकि नीचे जो मिट्टी में है पाले से भीगी हुई है, रात को ऊपर से पाला पड़ रहा है, धूप पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इस कारण से डामर अभी ना बिछाया जाए, एक महीना दो महीने रुक कर करके वह फरवरी लास्ट या मार्च लास्ट में उन्होंने डामरीकरण करने का जो इनको निर्देश दिए हैं कार्यदायी संस्था को। तो यहाँ पे जो ग्रामीणों की और अन्य भी समस्याएं थी कि उनके जो मकानों के नीचे पुश्ते लगने हैं, खेतों के नीचे पुश्ते लगने हैं और जो उनके आने जाने के रास्ते हैं जो क्षतिग्रस्त हैं उस पर भी जो बिल्कुल के यही दिनेश कुमार जी हैं उन्होंने ग्रामीणों को भी आश्वासन दिया है कि जो आपके जो भी समस्या हैं उस समस्याओं का प्रावधान कर करके नया जो एस्टिमेट बनाएंगे, जो उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके पास अभी प्रावधान जो जितना भी हार का है वो कंप्लीट हो चुका है, नए जो प्रस्ताव जो देंगे, नए एस्टिमेट जो बनाएंगे, ग्रामीणों की सारी समस्याओं पर उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि ब्रिटकुल के यही और जो कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि हैं वो अपने जो ग्रामीणों को जो आश्वासन दिया है उस पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए थराली से सुरेंद्रनाथ की रिपोर्ट। ये तस्वीर वाकई कई सवाल खड़े करती है कि धरातल पर हकीकत है क्या। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ग्रामीणों की पीड़ा बताई, लेकिन अब सीधा रुख करेंगे इस पर जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। खास मेहमान इसलिए क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि हम ऐसी समस्याओं के लिए और खासतौर पर ऐसे विषयों के लिए हम गांव तक इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि गांव की पीड़ा को गांव के नुमाइंदे ही बताएं। हमारे साथ इस वक्त पीतांबरम दत्त जी जुड़ चुके हैं जो कि वहां के बाशिंदे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय सिडोली जी जो कि वहां के बाशिंदे हैं, साथ ही मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरेंद्र इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो वहां की असल समस्याओं को आपको बताएंगे। पीतांबर जी आप हमसे बड़े हैं, सबसे पहले मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। हमने वहां का हाल और वहां की तस्वीर देखी, क्या समस्या है आप लोगों की? ये जो दूधारी गाय बन साबित हो रही है वहां की नवनिर्माण सड़कें, क्या समस्या है आप लोगों? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरा गांव मेरे देश के कार्यक्रम के माध्यम से इस गांव तक पहुंचे। तो इसलिए मैं ग्राम पंचायत की, सारे ग्राम पंचायत की, पूरे क्षेत्र, पूरे जिले की ओर से, पूरे विकास खंड की ओर से आपको बहुत बहुत आपका स्वागत भी करता हूं, आपको बधाई भी देता हूं, आपकी निष्पक्षता की सराहना भी करता हूं। तो समस्याएं तो कई हैं। सबसे पहले तो हमारी समस्या सड़क की है। ये PMGSY की जो सड़क हमारे गांव में बनी हुई है, ये सड़क लगभग 2005 में स्वीकृत हो गई थी, तब मैं क्षेत्र पंचायत हुआ करता था और 2005 से आज तक ये सड़क पूर्ण नहीं हो पाई। पहले तो ये विलंब है, इतना विलंब हुआ है। इस विलंब के बावजूद भी जिस निष्क्रियता से इस पे काम चल रहा है, जिस लापरवाही से इस पे काम चल रहा है इस सड़क पे, ये बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी शोचनीय स्थिति है। तो स्थिति ये है कि सबसे पहले तो आजकल डामरीकरण कर रहे हैं, जबकि आजकल डामरीकरण का कोई सीजन नहीं है।
और जो डामरीकरण ये कर रहे हैं, ये आगे से डामरीकरण कर रहे हैं, पीछे से ये उखड़ जा रही है। तो आप ये लगा लीजिए कि एक हफ्ता भी डामरीकरण को नहीं हुआ और डामरीकरण उखड़ना शुरू हो गया है जी। दूसरी बात इसमें ये है कि जहां पे ग्रामीणों को पुस्तों की जरूरत थी, जहां पे संवेदनशील इलाका है, क्योंकि हमारा तो स्लाइडिंग वाला क्षेत्र है कई जगहों पे, यदि उस पर सुरक्षा दीवारें नहीं बनाई जाएगी तो पूरी स्लाइडिंग हो जाएगी हमारी। हम छोटे काश्तकार हैं, खेती भी बर्बाद होगी, मकाने भी बर्बाद होगी, आने जाने के जो पगडंडे हैं वो भी बर्बाद होगी। तो इस पे भी इन्होंने किसी गंभीरता से कार्य करने की योजना इनकी नहीं लग रही मुझे। तीसरी बात यह है कि इस योजना, इस सड़क पे जहां पे डंपिंग जोन होना चाहिए था, डंपिंग जोन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब इन्होंने सड़क बनाई तो लोग तो उत्साह में थे कि हमारे गांव में सड़क आ गई, बड़े उत्साह में थे लोग, लोगों के बारीक जानकारियां भी नहीं थी। इन्होंने ऊपर की मिट्टी निकाली, नीचे खेत में फेंक दी, नीचे की मिट्टी निकाली, नीचे खेत में फेंक दी। तो यानी कि जो जहां सड़क बनी वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे काश्तकारों की भूमि है उसको भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। यानी आप ये कह रहे हैं काश्तकार हैं जिनके पास सीमित जमीन है तो उसको भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ओके दत्त साहब, यानी आपने मुझे बताया कि 2005 में स्वीकृत हुई थी और अब तक ये सड़क के डामरीकरण को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, और जो डामरीकरण किया भी उस वक्त वो सीजन भी नहीं था, और ऐसे में अब वो जो है सवालों के कटघरे में इससे भी आ रही है, इन्होंने तकनीकी रूप से भी गलतियां की हैं। लेकिन जैसे आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने पितामह जी से समझा कि वहां की समस्या बाकी गंभीर है और 2005 से सड़क अधूरी थी, तो फिर ये 2005 की स्वीकृति के बावजूद अब तक सड़क क्यों नहीं बनी और अब डामरीकरण का काम क्यों हो रहा है, वो भी जब सीजन नहीं है? ऐसे तो पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं, वजह क्या दिखाई देती है आपको? जय जी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जय जी से बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बताने के लिए आपको। बताइए जय जी, नमस्कार। जैसा कि अभी मेरे बुजुर्ग, मेरे गांव के हैं, मेरे ताऊजी, इन्होंने बताया सारी समस्याएं, आपसे अवगत कराई मोटर मार्ग के संबंध में। तो अभी जो 2005 की स्वीकृत रोड है, ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहले चलो ठीक है, टाइम लग गया, कोई बात नहीं, पहाड़ों में थोड़ा सा होते परिस्थितियां विपरीत होती हैं, ठीक है ना, चलो विलम्ब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन विलम्ब से हो, लेकिन काम अच्छा तो होना चाहिए ना। लेकिन वो गुणवत्ता है नहीं। अभी जैसे रिसेंटली अभी इन्होंने डामरीकरण का कार्य शुरू किया, ठीक है ना, जो कार्यदायी संस्था है, ठीक है ना, तो इनके द्वारा वो कार्य शुरू किया, गांव के लोग अगर कुछ कह नहीं रहे तो ये लोग अपनी मनमानी कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ कोई कहने वाला नहीं है तो ये लोग जैसा चाहो वैसा कर देते हैं, ठीक है। तो इसी संबंध में जब परसों ये डामर का कार्य कर रहे थे, उससे दो दिन पहले से इन्होंने कार्य शुरू किया था, तो मेरे साथ, मैं और मेरे गाँव के जो युवा वर्ग है और मेरे बुजुर्ग लोग जो है, तो वहां पे गए, हमने देखा तो एकदम जो क्वालिटी थी काम की एकदम घटिया थी, ठीक है ना, आगे से डामरीकरण कर रहे हैं, पीछे से पूरी रोड उखड़ते जा रही है, डामर निकलते जा रहे हैं। जब हमने इनसे वार्तालाप की यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो तरीके के मटेरियल आते हैं, एक आता है हॉट मिक्सिंग होता है डामरीकरण में, कोल्ड मिक्सिंग होता है। तो ये कह रहे जो हमारा वहाँ पे प्रावधान जो हमारे उसमें लिखा गया है, तो वो कोल्ड मिक्सिंग के लिए कहा गया है, ठीक है ना, तो हमने कहा चलो ठीक है, कोल्ड मिक्सिंग हो रहा है, अच्छी बात है, तो उसके लिए आप इस टाइम पे क्यों कर रहे हैं, जब आपको टाइम चाहिए होता, उसको सूखने के लिए टाइम चाहिए होता, तो आप सर्दियों के सीजन में क्यों कर रहे हैं? आपको पता वैसे ही धूप नहीं होती है आजकल, ठीक है ना, धूप नहीं होगी तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो आप आजकल क्यों कर रहे हैं? हम मानते हैं चलो कोल्ड मिक्सिंग में टाइम लगता है, अगर आप गाड़ियां उसके ऊपर से चलेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन जैसी मैं आपसे समझना चाह रहा था, तो आपने समस्याओं को बताया, वो वाकई में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। लेकिन सुरेंद्र जी, अब मुझे आप बताइए, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा सुरेंद्र जी, कि धरातल पर जो तस्वीर है, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी तो अवगत होंगे, उनका क्या कहना है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अब डामरीकरण का सीजन नहीं, लोग विरोध कर रहे हैं, आप गुणवत्ता को ताक पर रख रहे हैं? आप से जानना चाहेंगे कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के MLA साहब है, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे विषय को लेकर? सुरेंद्र जी, जी जी तिलक जी, ये जो उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, जब से ये उत्तराखंड
का दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकारें सरकारों की तरफ से तमाम तरह की जनहित योजनाएं तो आती हैं, लेकिन वो धरातल पे आते आते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और जनता हमेशा हमेशा चाहे वो यहाँ पे सड़कों का मामला हो, मान लिया सड़कों के लिए सालों साल लोग लड़ते हैं भिड़ते हैं, बहुत मुश्किल उनके गाँव उनके क्षेत्र में सड़कें आती हैं, लेकिन जब सड़कें बननी शुरू होती फिर एक यहाँ की जनता को एक एक और आंदोलन शुरू करना पड़ता है कि सड़क के गुणवत्ता के लिए सड़क के मानकों के अनुरूप जो सड़कें बनाई जाए, उस ढंग से भी लोगों को लगातार लड़ना पड़ता है। यहाँ पे जो अभी जो जैसे सड़क की हम बात कर रहे हैं मींग अदरा पंथी और हंसकोटी की 7 किलोमीटर की सड़क की, जहाँ पे हम ग्राउंड जीरो पे गए थे और वहां पे भी हमने जो लोगों की शिकायत आई थी, शिकायत के बाद ही हम वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे गए तो हमने देखा वहां पे कि ना तो वहाँ पे जो बेस्टवाल है ना पुस्ते हैं ना सड़क का सही ढंग से जो मानक है और अलाइनमेंट सबसे महत्वपूर्ण है पहाड़ों में सड़कों का अलाइनमेंट और तकनीकी पक्ष का जब काम होता है वहाँ पे जेसीबी या मजदूर काम करते हैं तो वहाँ पे तकनीकी किसी न किसी को खड़ा रहना चाहिए ताकि पहाड़ों की जो सड़कें हैं वो समुचित ढंग से बन सके। पहाड़ों का विकास के लिए सड़कें बहुत जरूरी है, लेकिन होता क्या है कि ये सड़कें जो है अमूमन चाहे पूरे विकास करने या पूरे विधानसभा की सड़कों की बात कर की जाए तो सड़कों पे जहां भी देखा जाए जिसको भी देखा जाए सब लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़कें चढ़ रही हैं। मैं सुशांता जी आपसे समझना चाह रहा था क्योंकि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि नियमों को ताक पे रखा गया और ऐसी गुणवत्ता को ताक पे रखा गया। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत नहीं की इस विषय को लेकर, आपने बताया नहीं विधायक जी को कि क्या चल रहा है इस विषय में? कई बार उस डिपार्टमेंट से संपर्क किया गया है, उनके यही से संपर्क किया गया, उनके जेई से संपर्क किया गया और हम स्वयं उनके ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगा, उनके यही जेई भी ये कहते कि बिल्कुल हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, जी आपके यहाँ से विधायक कौन है? जी विधायक जी कौन? विधायक जी तो मुन्नी देवी है, मुन्नी देवी शाह जी मुन्नी देवी है विधायक और तो ये मुन्नी देवी क्षेत्र में आती कि नहीं आती? हाँ मुन्नी देवी तो क्षेत्र में आई है, ऐसी कोई बात नहीं कि मुन्नी देवी नहीं आई है। उम्मीद मामला तो जब जनता दरबार है तो वैसे भी जनता तो दरबार है कोर्ट में है, लेकिन सुरेंद्र जी विधायक मैडम को दिखाई नहीं दिया क्या ये नियमों को ताक पर रखा जा रहा है या पूरी तरह से श्रेय मिला हुआ सबको? देखिए तिलक जी, जनता का हम दुर्भाग्य बार बार इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं इस विधानसभा में जनता की लगातार अनदेखियां होती रही हैं और जनता शिकायतें करती है, जनता शिकायतें कर करके थक गई है शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जनप्रतिनिधि है या शासन प्रशासन के नुमाइंदे हैं जो जनता की तरफ बहुत ही कम देखते हैं। जय जी और पीताम्बरम जी, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मंच के माध्यम से हम कोशिश करते हैं एक सेतु बनने का काम करें आपके यानी कि जनता के बीच में जो वहां के बाशिंदे हैं और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आप तक हम आपकी पीड़ा को पहुंचाएं उन लोगों तक जो समाधान तलाश सकते हैं। अपील करिए, मैं गुजारिश करूंगा जय जी आप चलते चलते अपने जनप्रतिनिधि से ही अपील कर दीजिए। जी बिल्कुल, कुछ अपील करना चाहेंगे? जो भी हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि विनम्र निवेदन है कि जो भी समस्या है, देखो एक बार क्षेत्र में आप आइए, क्षेत्र की समस्याओं को सुनिए वहां पे क्या समस्या है लोगों की। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि सारी समस्याएं एक साथ ही सुलझ सकती है, थोड़ा सा समय थोड़ा जो मुख्य है जो प्रमुख रूप से जो समस्या है उन पर थोड़ा सा विचार कीजिए। पीताम्बरम दत्त जी और जय जी आप और सुरेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर गए और उन्होंने तस्वीरें आप तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और हमारी ये मुहिम भी है और इस मुहिम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की आवाज हुक्मरान तक पहुंचाए जिनके कानों में तेल है, हम कोशिश करते हैं आप लोगों की आवाज को आप लोगों की पीड़ा को उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए जो समस्या का समाधान तलाश सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय जी आपका जी, सम्रत जी आपका भी और सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर होगी हाजिर एक ऐसे ही गांव की तरफ जहां की पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे हुक्म लगाने को जगाने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।